शाम को बड़ा जबरदस्त इशू है ना, देखो सामने सामने देखो। I'm from Karnal, Dal Singh Colony, and I want to say कि बहुत ज़्यादा यहाँ पे street पे cows वगैरह, dogs वगैरह होते हैं। इसके कारण हमारे साथ भी एक बारी हुआ था। In fact, जो dogs थे वो आगे आ गए थे और हमारी हम bullet पे थे दोनों और एकदम से skid लगा and I had a stitches on my head itself and we went to Virk Hospital over there and at that time also I was totally fainted and I didn't know what happened to me। इस कारण से बहुत ज़्यादा incidents हो रहे हैं, तो इसको जो है ध्यान में रखना चाहिए और safe side लेनी चाहिए सबको। जिला प्रशासन से क्या कहेंगे आप? कि ध्यान में रखें और इन चीजों को जितना स्ट्रिक्ट एक्शन हो सकता है लें इसके अगेंस्ट। अक्षता भसीन सिक्का। करनाल ब्रेकिंग न्यूज पर एक नई मुहिम छेड़ी गई है जो है आवारा पशु। जी हम बात कर रहे हैं सीएम सिटी करनाल की, जहां पर अगर बात करें तो आप सब जानते हैं कि शहर में धीरे धीरे जो है आवारा पशुओं की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ गई है। कहीं भी आप जाएंगे तो आवारा पशु बड़ी संख्या में जो है आप सड़कों पर देख सकते हैं, जो कभी भी किसी को नुकसान पहुंचा देते हैं। आप तस्वीरें देख सकते हैं, मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि करनाल का हॉस्पिटल चौक है यहाँ, जहाँ आप देख सकते हैं कि रात के 11 जरूर बजे हैं, लेकिन आप बीचों बीच सड़क पर आप कितने पशु देख सकते हैं कि किस तरह से बड़ी बड़ी सींग वाले जो पशु हैं यहाँ कभी भी किसी को नुकसान पहुंचा देते हैं। और यही पशु जो है दिन में सेक्टरों में और आप कुंजपुरा रोड पर आसपास घूमते हुए देख सकते हैं। अगर बात करें तो आवारा पशु के कारण जो है रोजाना शहर में काफी हादसे होते जा रहे हैं, लेकिन जिस तरफ जिला प्रशासन और जो शहर के पार्षद है उन्होंने कोई भी ध्यान नहीं दिया है। कुछ शहरवासी हमारे जुड़ रहे हैं, उनसे बातचीत करते हैं। आप बताइए करनाल शहर में कितने आवारा पशु की संख्या बढ़ती जा रही है, क्या नुकसान पहुंचा सकते हैं? इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि ये सबसे ज़्यादा चलती रोड है करनाल की। हॉस्पिटल चौक है, शहर का बहुत मेन चौक है और यहाँ पर पशु दिन में तो छोड़ो रात को भी हैं, और दिन में भी बहुत ज़्यादा रिस्की है और रात को भी है। अभी मैं अपनी गाड़ी लेके आया हूँ और एकदम मेरे सामने पशु आ गए हैं। कोई भी हादसा हो सकता है, कोई भी किसी तरह से आ रहा है और उसके साथ बहुत बड़ा हादसा हो सकता है। तो इसके लिए करनाल प्रशासन को बहुत बड़ा एक कदम उठाना चाहिए जिसके लिए कंट्रोल करें। तो ये आपने देखा कि शहरवासियों का कहना कह रहे हैं और मैं आपको एक बार दोबारा तस्वीरें दिखाना चाहूँगा, आपको आवारा पशुओं के नजदीक ले जाना चाहूँगा। आप तस्वीरें देख सकते हैं कि करनाल का ये हॉस्पिटल चौक है। मैं अपने कैमरा पर्सन को कहूँगा कि आवारा पशुओं की तस्वीरें जो है आपको नजदीक से आकर दिखाएं कि किस तरह से जो है, हम ये नहीं कहते कि आवारा पशुओं को कहीं और भेज दिया जाए, लेकिन जिला प्रशासन जो अपनी ड्यूटी निभा सकता है कम से कम इन आवारा पशुओं के लिए जो शेल्टर होम बनाए गए हैं, जो पशुशालाएं बनाई गई है वहां पर इनको भेज सकता है। तो आप देख सकते हैं कि हॉस्पिटल चौक के बीचों बीच किस तरह से दोनों तरफ से जो है आवारा पशुओं ने जो है घेरा डाला हुआ है, और यही आवारा पशु जो है दिन में भी इन सड़कों पर आप घूमते हुए देख सकते हैं। कब किसी की गाड़ी के सामने आवारा पशु आ जाए कोई नहीं जानता, लेकिन मुख्यमंत्री का विधानसभा क्षेत्र होने के बावजूद जिला प्रशासन ने कई तरह के सवालिया निशान जरूर करते हैं कि क्या करनाल शहर को इस तरह से स्मार्ट सिटी बनाया जाएगा जब आवारा पशुओं की संख्या जो है शहर में लगातार बढ़ती जा रही है। कमल मिड्डा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज, करनाल। हादसा जो है हो सकता है, किसी भी वाहन को या आवारा पशु जो है टक्कर मारकर जो है चोटिल कर सकते हैं। तो
जिला प्रशासन को इस तरह की कोई ना कोई कार्रवाई जरूर करनी चाहिए। कमल मिठा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज, करनाल। ये आप तस्वीरें देख सकते हैं कि करनाल पुलिस की एक गाड़ी है, उनको भी जाने में जो है किस तरह से जो है दिक्कत आ रही है। करनाल का हॉस्पिटल चौक है जहां आप देख सकते हैं कि रात की गश्त लगा रही है करनाल पुलिस, लेकिन पूरे हॉस्पिटल चौक पे चारों तरफ आवारा पशु बैठे हैं, जिस कारण आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो है करनाल पुलिस की PCR को कितनी दिक्कत झेलनी पड़ी है। सर हमारा मुख्यमंत्री क्षेत्र है, फिर भी हम बहुत परेशान हैं। देखिए आवारा पशु कैसे इस टाइम में सड़क पर बैठे हैं, रात को 11 बजे सिविल अस्पताल चौक से निकलना हम, बहुत परेशानी होती है हमें, और कई बार यहाँ पर हादसा होने से भी बचा है। तो हम इसकी दरखास्त डालना चाहेंगे गवर्नमेंट को कि भाई ये हमारे इस आवारा पशु का कोई हल निकाले, जिससे हमारी जान आन को हानि ना हो और हमारे व्हीकल्स को हानि ना हो और हम बीवी बच्चों के साथ सुरक्षित यहाँ से निकल सकें। हादसे भी होते हैं? हादसे भी हो चुके हैं सर, कई बार जानवर गाड़ी के ऊपर ही उछलाते हैं, जानवर है इनको तो पता नहीं है कैसे चलता है। तो क्या कहेंगे करनाल प्रशासन को? हम प्रशासन से यही दरखास्त करते हैं कि इनकी जैसे भी हमारे को मदद करें, इनको भी सुरक्षित जगह पे बचाया जाए, क्योंकि ये भी जीव जंतु है। क्या नाम है आपका? वैभव चुटानी। सिटी करनाल की अगर बात करें तो मुख्यमंत्री का विधानसभा क्षेत्र होने के बावजूद जो है करनाल में आवारा पशुओं की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। हम आपको तस्वीरें दिखाना चाहेंगे, आप तस्वीरें देख सकते हैं कि करनाल में जो है रोजाना इन आवारा पशुओं के कारण कोई ना कोई हादसा पेश आता है। अगर बात करें तो इस बारे में करनाल शहरवासी भी कई बार जो है जिला प्रशासन के आगे गुहार लगा चुके हैं, लेकिन आज तक जो है कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। आप देख सकते हैं कि गाड़ियों को किस तरह से जो है यहाँ पर परेशानी आती है आवारा पशु के कारण, जो है कोई भी हादसा हो सकता है, लेकिन आज तक जो है जिला प्रशासन की तरफ से कोई भी कार्रवाई इन आवारा पशुओं की रोकथाम के लिए नहीं की गई है। ना ही इन्हें योगशालाएं, जो अगर बात करें तो पशुशालाएं हैं वहां पर इनको भेजा जाता है। तो इस मामले में कहीं ना कहीं कोई कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि जो शहर में रोजाना आवारा पशुओं के कारण हादसे हो रहे हैं, काफी तेजी से हादसों की वृद्धि हो रही है, उस पर कहीं ना कहीं लगाम लगाई जा सके। करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ की टीम जो है आपको पिछले एक हफ्ते से जो आवारा पशु हैं उनकी तस्वीरें दिखा रही हैं, कि आप भी किसी भी समय आप अगर गाड़ी में निकलें, चाहे वो सुबह का समय हो या रात का समय हो, अस्पताल चौक हो या कमेटी चौक हो, यहाँ तक कि GT रोड तक जो आवारा पशु हैं वो पहुँच जाते हैं, क्योंकि जिस तरह से इनकी जो संख्या है वो धीरे धीरे बढ़ी है, क्योंकि पिछले जो एक महीने पहले जो सब्जी मंडी यहाँ से शिफ्ट हो गई, उसी वजह से जो आवारा पशु हैं वो रिहायशी इलाकों में आ गए, और धीरे धीरे जो यहाँ इनकी जो नंबर है, जो संख्या है वो बढ़ती गई, और इसके लिए अब प्रशासन को एक कड़ा कदम उठाना चाहिए, क्योंकि धीरे धीरे यही पशु हैं जो GT रोड की तरफ जाएंगे और वहाँ एक बड़ा हादसा हो सकता है। इसके बाद अब करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ की जो टीम है अब आपसे सलाह लेती है और प्रशासन को भी ये कहना चाहती है कि इसके लिए कोई कड़ा कदम उठाया जाए। करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ की टीम की तरफ से मैं भव्य नागपाल, करनाल। करनाल ब्रेकिंग न्यूज की अगर बात करें तो करनाल ब्रेकिंग न्यूज ने एक नया मुद्दा जो है CM City करनाल में छेड़ा है, जिससे आप सब भी जो है
भी वाकफ होंगे। और आप तस्वीरें देख सकते हैं, मैं आपको लगातार दूसरे दिन जो है हम करनाल ब्रेकिंग न्यूज की टीम जब करनाल की सड़कों पर निकली है तो आप देख सकते हैं कि शाम के सिर्फ 9:30 बजे हैं और आप तस्वीरें देख सकते हैं कि करनाल हॉस्पिटल चौक से आगे जहां मुगल करनाल मार्केट शुरू होती है और बीचों बीच जो है आप देख सकते हैं कि कल से भी ज्यादा संख्या में पशु जो है यहाँ पर बड़ी संख्या में जो है बीचों बीच यहाँ पर बैठे हैं। और आप गाड़ियों को आता जाता देख सकते हैं कि कितनी गाड़ियां यहाँ से निकल रही हैं। उसके बावजूद मैं आपको आगे तस्वीरें दिखाना चाहूंगा कि किस तरह से जो है जो दो पशु हैं वो यहाँ पर लड़ते हुए नजर आ रहे हैं कि किस तरह से जो है वह आक्रामक रूप धारण कर जाते हैं, कब किसी को नहीं पता चलता। तो ये आप लाइव तस्वीरें जो है CMCT करनाल की देख सकते हैं कि कभी भी ये पशु जो है दो पहिया वाहनों को जो है टक्कर मार देते हैं। और कुछ यहाँ पर जो लोग यहाँ से गुजर रहे हैं वो उनसे बातचीत करते हैं। आप बताइए आप कहाँ से कहाँ जा रहे थे और किस तरह का नज़ारा आपने करनाल में देखा? This is the same CMCT. We should look forward to this. The local bodies, the government should see this. This is the main road. This is not a thing should be there. So it's a, you're doing a good job. You're giving the lessons to them to learn and understand key what they are doing. If this is the same CMCT, you should not do this. तो ये आपने देखा कि करनाल के युवा थे जिन्होंने बहुत अच्छी बात की कि प्रशासन को और सरकार को इस तरफ ध्यान देना चाहिए। आप तस्वीरें देख सकते हैं कि आवारा पशुओं के कारण जो है यहाँ पर जाम लग गए हैं। आप देखते जाए कि किस तरह से जो है आवारा पशुओं की संख्या जो है लगातार यहाँ पर शहर में बढ़ती जा रही है, जिस तरफ प्रशासन और प्रदेश सरकार जो है कोई भी कार्रवाई करता हुआ नजर नहीं आता है। कमल मिश्रा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज़, करनाल। हालात बहुत ज्यादा खराब हो चुके हैं, हर जगह हर रोड पे पशु ही पशु है। उधर सब्जी मंडी वाली रोड है, इधर सामने देखो यहाँ पे पशु है। उधर नूर महल के पास हमारे पड़ोसी की गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ, वहाँ भी गाय बहुत बैठी हुई है। हाँ बिल्कुल हालात खराब है, कोई बंदा अंधेरा है, कोई नहीं दिखते पशु, रोड की पूरी लाइटें नहीं जल रही, हादसे बहुत ज्यादा हो रहे हैं जी। CMCT है तो CM साहब को हमारे करनाल के बारे में ध्यान तो देना चाहिए ना, बिल्कुल नगर निगम को ध्यान देना चाहिए, बिल्कुल इनको पकड़ना चाहिए। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी नीरज जी। क्या कहेंगे करनाल में आवारा पशुओं की संख्या जो बड़ी है? रात को जब भी देखो, दिन दिहाड़े देखो, रात को देखो पशु आवारा घूमते रहते हैं, जिसके वंश कारण रात को गाड़ियां भी निकलने में बहुत दिक्कत आती है और कई लोग इन वंश पशुओं के कारण एक्सीडेंट भी हो जाते हैं। बड़े गंभीर रूप से ये पड़े रहते हैं पशु, जिसकी वजह से हमारी गौशाला बिल्कुल खाली पड़ी है, ना कोई केयर होती है इनकी ना कुछ होता है। देखिए दिक्कतें तो बहुत सारी हैं, मगर जो ये रोड के ऊपर आवारा पशु घूम रहे हैं ये तो एक एक्सीडेंट का किसी भी समय पर किसी भी, अब मैं तो गाड़ी में हूँ, मेरे को चलो गाड़ी का नुकसान हो जाएगा, मगर जो बाइक पे घूम रहा है उसकी लाइट भी कम होती है। ये आवारा पशु जो उनसे जिनका कलर ब्लैक होता है वो नजर भी नहीं आते हैं, और जिस दिन वो भिड़ेंगे कोई हादसा होगा फिर कहेंगे कुछ भी नहीं हुआ। तो कार्रवाई करनी चाहिए, कार्रवाई प्रशासन को जरूर करनी चाहिए। मैं कहता हूँ कि अगर आप कानून बना रहे हैं कि पशु का वो संहार ना करें, मगर अगर आप इनको कहीं संरक्षण देना चाहते हैं तो ये आवारा ना घूमें। आप क्या पशु के संरक्षण के ऊपर अपना वो देना चाह रहे हैं कि एक नरसंहार हो जाए? क्या नाम आपका? रवनीत चावला। सर ये बहुत ही मतलब खतरनाक सिस्टम है, अभी तो खैर धुंध नहीं है तो ये सब ठीक है, अदरवाइज इसके बिना धुंध में ये बहुत ज़्यादा नुकसान करते हैं, बहुत ज़्यादा इनकी वजह से परेशानी हो रही है। गवर्नमेंट को चाहिए कि इनको किस स्पेसिफिक जगह पे इनको ड्रॉप करे, इनको स्पेसिफिक जगह दे रहने के लिए, इनको शेड दे। एक्चुअली क्या होता है कि धुंध के अंदर, अभी धुंध कम है, अभी धुंध के बिना भी ये इतना ज़्यादा परेशान कर रहे हैं, धुंध के अंदर ये इनविजिबल हो जाते हैं, जब तक गाड़ी इनके पास पहुंचती है तब तक नॉन ब्रेकेबल हो जाती है। मैं करनाल के अंदर का, करनाल का ही वासी हूँ, करनाल का रहने वाला हूँ, मेरा खुद का नुकसान हो चुका है, 50 से 60 हज़ार रुपये का मेरी गाड़ी का खुद का नुकसान ही है। इनकी मतलब इनकी वजह से लगा लीजिए, कुछ भी हो सके, प्रशासन को इनके लिए कुछ स्पेसिफिक एक जगह बनानी चाहिए जहाँ पे ये नंदीग्राम गौशाला या गौशाला में इनको पिक करके ड्रॉप करना चाहिए। मेरा सतेंद्र सिंह नाम है, वैसे वासी मैं दरड़ का हूँ, वैसे मैं करनाल बेसिकली रहता हूँ।